कहानी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड चेंगी हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है। उसका ल्यूपस का ट्रीटमेंट चल रहा था, जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। उसके बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि वो अपने नए मांगा के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने जाए। हाँ, चेंगी एक फेमस मांगा ऑथर होती है। उसके पीछे पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ भाग रहा होता है। वो फैंस को लांगने वाली होती है कि वहाँ अटक जाती है, और तभी वहाँ कोई आता है। वो पाइचीजिया था, उसी के स्कूल का क्लासमेट, जिसे उसने 8 सालों से नहीं देखा था। तब जब वो उसके साथ अपनी पहली डेट पर आई नहीं, और ना कभी उसका रीज़न बताया। अब पाइची उसी हॉस्पिटल का न्यूरोलॉजिस्ट था। चिंगी उसे घबरा कर ग्रीट करती है, और बस इस बार उसकी मदद करके उसे जाने देने को बोलती है। वो प्रूफ के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाती है, जिस पर साइन होना था। बाईची इसी शर्त पर मान जाता है कि वो वापस उसके साथ हॉस्पिटल आएगी। चिंगी उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताती, इनफैक्ट ना अपने प्रोफेशन के बारे में बताती है, बस बोलती है कि वो एक साधारण सी सेक्रेटरी है। पाइची उसे कंपनी तक छोड़ता है, जहां उसे पता चलता है कि चिंगी तो एक पॉपुलर मांगा राइटर है, जिसके मिलियंस में फॉलोवर है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद चिंगी हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है, और उसके फ्रेंड्स भी उसको रोकने में मदद करते हैं। पाइची को चिंगी के मैनेजर चैनमिंग के साथ लौटना पड़ता है, जो उसके हॉस्पिटल बिल्स को पे करता है। चिंगी अपने फ्रेंड शाओजू से शेयर करती है कि वो पाइची को इसलिए अवॉइड कर रही है क्योंकि वो अपनी बीमारी के कारण किसी को फेस नहीं कर सकती। वो नहीं चाहती कि लोग उसे कमज़ोर समझें। पाइची की एक पेशेंट अपनी आर्ट क्लास में जाने की जिद करती है, जिसकी टीचर चिंगी ही थी। वो बताता है कि वो उसकी क्लासमेट थी, और वो उसके साथ अपनी पिक्स दिखाता है। वो उसके बदले क्लास अटेंड करके ऑटोग्राफ लाने का प्रॉमिस करता है। रात को चिंगी, मिन और शाओजू एक बार में आते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की खुशी में, जहां लू टियन पाइची का फ्रेंड उसे भी ले आता है। शाओजू ने बहुत पी ली थी, और वो जाकर लू टियन के कपड़ों में वॉमिट कर देती है। दूसरी तरफ चिंगी और पाइची एक दूसरे से टकराते हैं। पाइची बोलता है वो दोबारा 8 साल पहले की तरह उसे छोड़कर जाने नहीं देगा। अब अगली सुबह जब चिंगी को होश आता है, तो वो देखती है कि वो पाइची के बेड में है। वो श्योर नहीं होती है कि उनके बीच में कुछ हुआ है कि नहीं, लेकिन पाइची उसे टीज करते हुए पिछली रात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बोलता है। चिंगी ने बहुत ड्रिंक कर ली थी, और वो होश में नहीं थी। पाइची उसे अपने घर ले आता है, जहां वो बहुत हंगामा मचाती है, और पाइची के लिए उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। शाओजू भी रात भर लूटियन के साथ ही थी। चिंगी आर्ट क्लास में अटेंडेंस ले रही होती है कि पाइची अपनी पेशेंट की जगह वहां बैठा होता है। सभी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर चिंगी उसे क्लासरूम में रहने को अलाउ कर देती है। पाइची दोबारा ड्राइंग बनाते हुए चिंगी को टीज करने लगता है। चिंगी अपनी फैन के लिए ऑटोग्राफ दे देती है। स्टूडेंट उन दोनों को लंच के लिए इनवाइट करते हैं, जहां चिंगी सी फूड अपनी बीमारी के कारण खा नहीं पाती। बच्चे पूछते हैं क्या वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो पाइची फटाफट बोलता है कि ये क्लास की मॉनिटर थी और मैं असिस्टेंट क्लास मॉनिटर। वो दोनों एक दूसरे की पोल पट्टी खोलना शुरू कर देते हैं। जब मिन उसे लेने आता है, तो पाइची बहुत जेलस होता है। उसे याद आता है कि कैसे उन्होंने हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस किया था। चिंगी अपने कॉमिक में पाइची को विलन का रोल देती है, और अगले दिन क्लास में वही कॉमिक उठा ले आती है। पाइची दोबारा क्लास में आ जाता है। चिंगी उसे होमवर्क दिखाने को बोलती है, तो उसने चिंगी का ही स्केच बनाया हुआ था, जब वो दोनों साथ में रहा करते थे। डोर गलती से लॉक हो जाता है, और वो दोनों रूम में ही फंस जाते हैं। पाइची को अपनी मीटिंग के लिए जाना होता है, तो चिंगी ऊपर की खिड़की से छलांग मारकर बाहर से दरवाजा अनलॉक कर देती है। पाइची डर कर उसे हग कर देता है, और दोबारा ऐसा करने के लिए मना करता है, इससे उसे चोट भी लग सकती थी। रात को चिंगी को सपना आता है, जब उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी। वो बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है।